नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र को संबोधित किया है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिए बेसिक पुलिसिंग कानून व्यवस्था पर लंबी समीक्षा के बाद महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दो दिनों तक सार्थक चर्चा हुई है और इसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के हाथ लोहे की तरह और दिल मोम जैसा होना चाहिए। दो दिन की क्लास का फाइनल आज नतीजा क्या रहा? हाँ, दो दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन था और आज दूसरा और अंतिम दिन था और आज लगातार 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठक चली है और आज की इस बैठक में हमारे प्रदेश के सीएस, एसीएस, होम, डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिले के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए हैं और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, हमारे जो आईजी हैं अपने रेंज स्तर और जो एसपी कलेक्टर हैं जिले में, जो स्थिति है वो पूरी बात बैठक में रखे हैं और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले समय 8 महीने में जो अपराधों की जो वस्तु स्थिति थी, जो परिदृश्य था, और आज हमारी सरकार में 8 महीने में जो अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफी कम है, कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे सभी अधिकारी मन लगा के काम कर रहे हैं, सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो इसकी भी चिंता कर रहे हैं। राजनांदगांव में अवैध शराब बिक्री पर नाराजगी जताई, रायपुर में घूम आप जाओगे सक्रियता पर नाराजगी जताई, दुर्ग में इन्वेस्टिगेशन की लेट लगती पर नाराजगी जताई, तो इतनी नाराजगी की चर्चा असर सुख है, तो क्या माने आप सिस्टम में कोई बड़े बदलाव की तैयारी? अब देखिए, छत्तीसगढ़ तो हम लोगों को जो सुशासन की हम लोग बात करते हैं, अगर किसी के घर में भी कोई थोड़ी परेशानी होती उसकी चर्चा तो होती है ना, कि बिना चर्चे उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ तो बड़ा परिवार है, तो वहाँ कहीं थोड़ी बहुत मौलिक कमी बेसी है तो उसकी चर्चा किए हैं और आगे उसका सुधार होगा। अब बस्तर के विषय में तो सभी को मालूम है कि बस्तर के जो 5 जिले हैं संवेदनशील जिले हैं, जिसमें आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायण, और इसमें डबल इंजन सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री दो बार 8 महीने में यहाँ पर आ चुके और हम लोग का हौसला अफजाई किए, हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए हैं और इसका परिणाम है कि नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नियत नलानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना का शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको प्राथमिकता के साथ उस क्षेत्र में लोगों तक घर घर पहुंचा रहे हैं, इसका परिणाम भी मिल रहा है। अब इंतजार करिए, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अमेरिका के अपने अध्ययन प्रवास के दौरान गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का भ्रमण किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सभा कक्ष और सुरक्षा समिति कक्ष का भ्रमण कर संघ की कार्यप्रणाली को समझा और अध्ययन दौरे पर साथ गए लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि अरुण साव संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में
मुख्य वित्त अधिकारी और आनंद पांडे के आमंत्रण पर वहां पर गए थे और वो मूलतः बिलासपुर जिले के बेलसरी के निवासी हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कोल लेवी मामले के आरोपी व्यापारी सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि उन्हें सूर्यकांत तिवारी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी मंत्री केदार कश्यप ने सवाल करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को कई महीनों से जेल में बंद आरोपी से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है। उनकी आतुरता बता रही है कि दाल में कुछ काला है। सूर्यकांत तिवारी जिसने पूरे प्रदेश में एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किए, पूरे प्रदेश की जनता का हलाकार मचा कर रखा था और जिन्होंने तत्कालीन समय में संरक्षण दिया, आज वही उनसे मिलने के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं। सूर्यकांत तिवारी ने याचिका प्रस्तुत की है और एक संकेत दे दिया है कि वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं सकते और जांच एजेंसियां भी जो लगातार ये कह रही है कि इन सब के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, तो कहीं ना कहीं से आज ये जो पूरा मामला है ये किसी न किसी रिश्ते की ओर इंगित करता है। भूपेश बघेल जी को पुलिस प्रशासन पे या कोर्ट पर विश्वास नहीं है। भूपेश बघेल जी कोई कोर्ट या पुलिस का काम नहीं कर सकते और जहां तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है और यहां पर गरीबों के हक पर डाका डालने वाले को कभी बख्शा नहीं जाएगा। वो जेल के सलाखों के भीतर होंगे और सबको न्याय प्राप्त होगा, ये माननीय विष्णुदेव साय जी का संकल्प है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिजली मिली फुल, हाफ हुआ बिल। सस्ती दरों पर लोगों को बिजली उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से आधे दाम पर बिजली की सुविधा सुनिश्चित हुई है। 400 यूनिट तक बिजली खपत होने पर उपभोक्ताओं को आधे दाम ही चुकाने होंगे और इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। करीब 43 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर बिजली की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए राज्य के बजट में 1,774 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है। इसके लिए भी राज्य के बजट में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। बिजली के दामों में छूट मिलने पर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल रही है और आर्थिक तौर पर मजबूत होने के साथ वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। पहले बिजली बिल बहुत आता था, जब से विष्णुदेव सरकार ने बिजली बिल आधा किया है तब से हमारे बिजली का बिल जो है वो कम आने लगा है और वो पैसे अब हम अपनी जरूरतों में उपयोग करने लगे। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बिजली के दाम में छूट से होने वाली बचत पर जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। हा रही सबको सस्ती बिजली, रोशन हुई लाखों जिंदगानी, सुनिश्चित हुई तरक्की, खुशहाल हुआ जीवन, विष्णु के सुशासन में बदल रहा प्रदेश। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। राशन कार्ड धारियों के लिए अभूतपूर्व निर्णय से गरीबों की तरक्की का खुला नया द्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हक में कल्याणकारी फैसला लेते हुए 5 साल तक निशुल्क खाद्यान्न देने का ऐलान किया है। इसे राज्य में लागू कराने का काम
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्ड धारी परिवारों को 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, यानी किसी भी हितग्राही को खाद्यान्न के एवज में 1 भी रुपया चुकाने की जरूरत नहीं है। सर, हम जान रहे ग्राम को है और हमारे विष्णु देव साय है, शक्कर माटी तेल और चावल फ्री में देवत है। अब बहुत अकन काम करे है, वह अभी नल की योजना करे है, वो नल में भी पानी नहीं सब आवत है। हम सब खुश हैं, ग्राम पंचायत बना है, भवन बनाए हैं, अच्छा काम करे है और बहुत अकन हम काम करे है। हमारे नए सरकार से हम बहुत खुश हैं, जो चावल दे रहे हैं उससे हम लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य के 67,92,153 राशन कार्ड धारियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बजट वर्ष 2024-25 में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी वर्ष 2028 तक प्रत्येक हितग्राही को निःशुल्क चावल दिया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदी शक्कर वितरण करने का निर्णय लिया गया है। मोदी की गारंटी का लाभ सभी हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है साय सरकार। अब गरीबों के माथे से चिंता की लकीरें मिटेगी, सही पोषण का मिलेगा अधिकार, विश्वास का पर्याय बनेगी साय सरकार। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। महतारियों का होगा उत्तरोत्तर विकास, आजीविका होगी मजबूत, सामूहिक भागीदारी होगी सुनिश्चित। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई मातारी सदन योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गाँव में स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के आजीविका को बढ़ाने और आय अर्जन गतिविधियां तैयार करने में ये योजना कारगर साबित होता है। गाँव में भवन उपलब्ध होने से महिलाओं को सामूहिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, बैठक और आय अर्जन जैसे अनेकों कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक गाँव में एक भवन का निर्माण किया जाएगा। आय अर्जन गतिविधियों के लिए एक दुकान, बैठकों के लिए एक बड़े हॉल और एक कमरे बनाए जाएंगे। इस भवन में किचन, स्टोर रूम की सुविधा होगी, साथ ही सामुदायिक शौचालय तैयार किए जाएंगे। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की इस पहल से अब गांव गांव में आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिखेंगी महिलाएं। सशक्त प्रदेश की दिशा में बढ़ेगा छत्तीसगढ़, समृद्ध होगा प्रदेश, महिलाओं के सपने होंगे साकार, खुशहाल होगा परिवार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, रुख करते हैं खबरों की तरफ। राजगीर चांपा में सीजीएमएससी के हमलों ने स्टोन प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर अवैध उगाही का आरोप लगाया है। सीजीएमएससी से लंबे समय से हमाली का काम करने वाले हमलों ने आरोप लगाया है। हमालों ने जो है वो आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रक से दवाइयों का कार्टन आने पर उसे उतारने के लिए 5 रुपये प्रति कार्टून दिया जाता है, लेकिन स्टोर प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दबाव बनाकर प्रति कार्टून जो है वो 2 रुपये पीटीएम के माध्यम से दिया जाता है। यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। स्टोर प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और 9 सितंबर को जिला स्वास्थ्य अधिकारी लिखित आवेदन देकर कमीशनखोरी की शिकायत की है। शिकायत का परिणाम यह हुआ कि 3 मजदूरों को जो है वो नियमित सेवा से निकाल दिया गया है
और जिसके कारण मजदूर दोषी स्टोर कीपर और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई और अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने भी जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। मैं 2013 से छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करता हूं, हमाली के पद पर कार्यरत हूं और जो कि यहां शासन के द्वारा निर्धारित है, हमाली जो गाड़ी बाहर से आता है उसको उतारने पर 5 रुपये कार्टून दिया जाता है, तो जिसमें से मैडम लोग 1 रुपये प्रियांश, 1 रुपये रश्मि सिंह मैडम ले लेता है, जिसकी सूचना हम लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया था, उस कारणवश नौकरी से निकाल दिया गया है। कब दिए थे आप लोग? ये 9 तारीख को हम लोग सूचना दिए थे मैडम को और 9 तारीख को शाम को हम लोग को ये लेटर मिला है निकालने को। अच्छा, कमीशन क्या बोल के लेते हैं आप लोग पैसा? अब तो कमीशन ही कह सकते हैं, 2 रुपये दबाव के साथ लेते हैं। तो कौन कौन है लोग जो लेते हैं? लोग ये प्रियांश निर्मलकर है और रश्मि सिंह। क्या कौन से पद में है? रश्मि सिंह स्टोर ऑफिसर और प्रियांश निर्मलकर कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा, तो ये जो निकाला गया है उसके विरोध में आप लोग बात पूछे हैं, क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया? हम लोग तो पूछे हैं तो बोले हैं डायरेक्ट अकालमी से आप लोग के नाम से लेटर आया हुआ है, करके दिया गया है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है? यहीं के एम्प्लॉय ही है हम लोग, अकालमी सर्विस ठेकेदार है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो इसमें जांच होकर उचित कार्रवाई हो, जो कि हम लोग इतने दिनों से प्रताड़ित करते हैं। तो जैसे कि हम लोग काम करते करते 5 मिनट बैठ भी जाते हैं, तुरंत फोन लगाकर कालमी के द्वारा शिकायत किया जाता है, आप लोग को बार बार शिकायत आ रहा है, ऐसा करके बोला जाता है। अच्छा, हाँ, छुट्टी लेने पर छुट्टी भी नहीं दिया जाता और बोलते हैं आप लोग कालमी के द्वारा कि आप लोग छुट्टी पूरा ले लो, उसके बाद घूमते रहना, गाँव जाते रहना। कालमी के द्वारा बोला जाता है। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर आप? यहाँ तो लगभग 15 जने हो जाएंगे। सभी से ऐसे पैसा लेते हैं? सभी, हाँ सभी से। कैसे लेते हैं पैसा, हाथ में देते हैं किस तरह? नहीं, फोन पे के माध्यम से। इसका गवाह मन के चलिए ओमकार कश्यप, विकेश भारद्वाज और अश्वनी ताम्राकर, इन लोग के अकाउंट से उनके खाते में गया है। मैं 2017 से काम कर रहा हूँ हमारे पोस्ट पे। मेरा यही शिकायत है, जो हमारी गाड़ी आता है ट्रांसपोर्टर, जिसमें 5 रुपये कार्टून मिलता है, जिसमें से 2 रुपया प्रियांश निर्मलकर के अकाउंट में जाता है और 1 रुपया और 1 रुपया मैडम रश्मि सिंह के अकाउंट में जाता है, जो मेरे खाते में आता था पहले, उसी को मैं वो वापस उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। क्यों करते? क्योंकि वो हम लोगों को बोलता है कि 2 रुपया हम लोगों का है, 1 रुपया करके देता हूँ उन लोगों को। और कई बार इस चीज को हम लोग बोल चुके हैं कि मत लो, लेकिन फिर भी हम लोगों को डरा धमका के लेता है। कितने महीने तक दे चुके हैं? ये करीब 3 साल हो गया है। अचानक से मीडिया आया ना? अचानक से मीडिया आया ना, तो हम लोग बोले उसको यही चीज को। उसके बाद हम लोगों को 9 तारीख को अवगत कराए थे सीएमएचओ ऑफिस में कि हम लोगों के साथ ऐसे ऐसा हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं किया। शाम को हम लोग को लेटर दे दिया निकालने का। क्या चाह रहे हैं? हम लोग वापसी चाह रहे हैं, जिसको मान सम्मान से, क्योंकि हम लोग को छुट्टी भी मिलता नहीं है। छुट्टी करोगे मांगोगे तो पैसा काट जाता है। बाकी जो अदर आदमी है, लड़के लोग और महोजने हैं, उन लोगों को छुट्टी में देते हैं, मैडम देते खुद, और हम लोगों को कालमी को बोलते कि छुट्टी लेना है बोलते हैं। अच्छा, और सबसे पैसा लेते हैं? सभी से लेते हैं, क्योंकि सबको 3-3 रुपए के हिसाब से बांट देते हैं हमारे को। बाकी जो 2 रुपए बचता है उन लोग दोनों को 1-1 रुपए हिसाब से उन लोगों को दे देते हैं, बस ऑपरेटर और रश्मि सिंह किशोर ऑफिसर को। कितने लोग को निकाले हैं? अभी 3 लोगों को निकाले हैं, जो 1 लोग अभी आया नहीं हुआ। हम लोगों के पास में CGMSC के कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए आया है शिकायत उनके द्वारा कि हमालों को जो 5 रुपए दिया जाता था उनके एवज में उनसे 2 रुपए लिया जाए। तो हमारे पास में शिकायत आई है, तो उसकी हम लोग जांच के लिए, कार्यवाही के लिए उनको लिखित पत्र दिए हैं और उनका जैसे जवाब आएगा उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे। खबर बेमित्रा से है, जहां पर जिले का बावल खटोली गांव चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को इमरजेंसी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं बाढ़ के पानी से गांव के भीतर लगभग 10 से 12 घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के चलते ग्रामवासियों का आवागमन भी अवरुद्ध हो गया है। वहीं पुल के अभाव में हाईस्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन से इसको लेकर शिकायत की गई है और अब तक मामले का कोई भी हल नहीं निकला है। तो
दो तीन बार हो गए गुरुदयाल बंजारी जी रही सबू बोले रहें और ये अपन विधायक के योल बोले रहें तो ठीक है हो जाई कि किथे वोकर बाद आवे करे नहीं कोई देखे नहीं आवे आगे का कदम है। अब आगे हमार मन के यही चाह रहा है कि अपने गांव वाले सुनता हो करके उसको किसी को वोट देने का अनुमति नहीं रखते ऐसे सलाह लिए हमारे जब देख रहे कौन लोग नहीं कर रहे तो हम लोग उसका कुछ नहीं करेंगे हमारे समस्या हल होगा तभी करेंगे। मोर नाम गीतेश्वरी साहू है। आप मन देखा था कि यहाँ बाढ़ आए हुए जिखर जिखर समस्या देखते हुए हमारे एक विद्यार्थी अरन जिला पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ थे इमें आए जाए पर बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ थे जेकर वजह से हमारे पढ़ाई भी रुके हुए है और एक से दो हफ्ता भी हो जाते और कई बार होगी कि सरकार से गुहार लगाए के कि ये पुल बनवाए के मांग करेगी है गाँव वाला मन भी बोलेगी है लेकिन कई बार होगी दो से तीन साल हो गए लेकिन हमारी मांग पूरा नहीं हुई ता हमारे विद्यार्थी मन चाहते हैं कि हमारी मांग पूरा करे। कई दिनों से गौतस्करी की लगातार मिल रही शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि जिले के ग्राम पछवा में मवेशियों को कत्ल खाने ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। तभी सूचना मिलने पर पुरानी भिलाई थाना पुलिस के साथ सीएसपी और एसीसीयू की टीम ने दबिश दी है। मौके से अवैध परिवहन की तैयारी कर रहे तीन मिनी ट्रक समेत लगभग 74 गौवंश को बरामद करने में टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है लेकिन पांच आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मवेशियों का भी चिकित्सक परीक्षण कर गौशाला भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। क्या मामला है? ये कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये पथर्रा ग्राम है वहां पर मैं विक्की उर्फ विशाल भारती और उसके साथी थे वो तीन गाड़ियों में यहां पर मैं कत्ल खाना ले जाने के लिए कुछ गायों मवेशियों को यहां पर मैं इकट्ठा करके रखे हुए हैं और गाड़ियों में भर के ले जाने की तैयारी चल रही है। इस सूचना पर मैं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए गए और उनके निर्देश अनुसार जो है वहां पर मैं टीम तैयार करके यहां पर मैं रेड की कार्रवाई की। रेड कार्रवाई करने के दौरान में जब यहां पर मैं पहुंचे तो देखे कि जो ये विशाल भारती का जो गौठान है गौठान नहीं बोला जाए इसको कोठार बोला जाए तो यहां पर मैं एक गाड़ी लगी हुई थी जिसमें सात आठ जो गाय थी उनको बड़ी बर्दतापूर्वक उसमें रखा गया था और वहां पर दो तीन गाड़ियां और लगी थी। जैसे ही पुलिस पार्टी को वो लोग देखे तत्काल वहां से अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए क्योंकि बाजू में आप देख रहे हैं कि खाली जगह है तो उस तरफ से वो भाग गए दौड़ाए उन लोगों को पकड़ में नहीं आए। बाजू जो उनका कोठार था उस कोठार में आके जब चेक किए तो यहां पर देखें कि लगभग बहुत सारी मवेशियां यहां पर मैं रखा हुआ था जो यहां पर मैं चारे पानी की व्यवस्था नहीं थी और लाइट की भी व्यवस्था यहां पर मैं नहीं थी। इसके संबंध में आसपास के लोगों से पूछे तो उन्होंने भी बोले कि ये विशाल भारती का है और विशाल भारती इसका प्रमुख आदमी है जो इससे पहले से वो काम करता आ रहा है यहां पर मैं इससे पहले भी वो जेल गया है इन मामलों में लेकिन वो छूट चुका है और अब पुलिस जो है इस पर FIR लेके इसकी अग्रिम कार्रवाई कर रही है। सर अभी तक कोई आरोपी पकड़ाया है? जैसे नहीं आरोपी तो अभी नहीं पकड़ाया है लेकिन जैसे सूचना मिली थी और उसकी गाड़ी मिली है विशाल भारती की गाड़ी मिली है एक उसका जो साथी है संगीत मधुकर वो भी उसके साथ में था और तीन गाड़ी जो यहाँ पर मैं हम लोगों को मिली जो तीन टाटा की बड़ी गाड़ियां थी वो गाड़ियां मिली है मतलब उसके तीन ड्राइवर भी होंगे साथ में। अधिनियम की धारा 11 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 6 और 10 के तहत में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।